राजनीति भी क्या रंग दिखाती है। 4 महीने पहले चाचा भतीजा एक साथ लोजपा में थे, फिर सियासी उठापटक के बाद 4 सांसदों को लेकर के पशुपति कुमार पारस भतीजे चिराग पासवान को दरकिनार कर अलग हो गए। उन्हें एनडीए का साथ मिला और नेताओं का स्नेह भी, इसका राजनीतिक लाभ भी मिला। लोकसभा में पार्टी संसदीय दल के नेता से लेकर मंत्री पद तक उन्हें हासिल हुआ और नुकसान में रहे चिराग पासवान। उनके खाली हाथ में सिर्फ एक नए नाम के साथ पार्टी और चुनाव चिन्ह आया। चिराग के लिए अच्छी बात यह हुई कि पार्टी के साथ उनके पिता रामविलास पासवान का नाम जुड़ा है। पिता का नाम और उनके समर्थकों के बूते बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे चिराग का कद तय करेंगे, क्योंकि उनका हर फैसला उनके कद को मापेगा, उनके राजनीतिक कौशल की था का भी एहसास कराएगा। उनके लिए ये चुनाव साख का सवाल है। एनडीए और महागठबंधन के बीच में एक तरफा मोर्चा संभाले चिराग के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उपचुनाव में चिराग के समर्थक उनके लिए कितना असरदार और दमदार साबित होते हैं, यह भी चुनावी नतीजे से साफ हो जाएगा, जो आने वाले समय में उनके राजनीतिक भविष्य के लिए सबसे अहम साबित होगा। निश्चित तौर पर उपचुनाव के नतीजे उनके राजनीतिक भविष्य और प्रदेश की राजनीति में उनकी हैसियत को भी तय कर देंगे। साथ ही यह बात भी बता देंगे कि चिराग का एकला चलो का फैसला कितना सटीक और सही है, क्योंकि यही चुनावी दांव उन्होंने बीते विधानसभा चुनाव में आजमाया था, तब उनकी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर जीती थी। राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा है कि चाचा भतीजा में पिछले 4 महीने से मचे सियासी घमासान का फाइनल मैच यह उपचुनाव है, इसलिए यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में चिराग के खिलाफ पशुपति कुमार पारस किस तरह से मोर्चा संभालते हैं। वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के जदयू उम्मीदवारों की जीत पक्की कैसे करते हैं। यूं कहे कि यह उपचुनाव चिराग से अलग हुए पशुपति कुमार पारस के लिए भी परीक्षा की घड़ी है।